अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ रेड वेलवेट केक। अच्छा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में रेसिपी दी हुई है वो फुल रेसिपी मैं लिखूँगी, और जो वीडियो में मैं केक बना रही हूँ वो मैं हाफ़ रेसिपी से बनाऊँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सॉफ़्ट बटर, जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और इसमें हम कस्टर्ड शुगर ऐड करेंगे और इसको बीट करेंगे जब तक कि ये शुगर इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए और ये थोड़ा क्रीमी सा हो जाए मिक्सचर। इसके बाद हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। हमें वन बाय वन ऐड करना है और हर अंडा ऐड करने के बाद अच्छी तरह बीट करना है जब तक कि मिक्सचर जो है वो क्रीमी और पेल कलर का ना हो जाए। इस तरह से मिक्सचर हो जाएगा बीट करने के बाद। अब हम एक अलग बोल में कोको पाउडर, वनीला एसेंस और रेड फूड कलर को मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर लिक्विड और थोड़ा सा जेल भी मेरे पास था, वो मैंने मिक्स करके यूज़ किया है इसमें, लेकिन रेकमेंडेड है कि आप इस रेसिपी में लिक्विड फूड कलर ही यूज़ करें। अगर आपको जेल भी यूज़ करना है तो आप दोनों मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड कलर यूज़ करना मस्ट है इस रेड वेलवेट की रेसिपी में। अब इसको आप मिक्सचर को मिक्स करके अच्छी तरह से ये बीट किए हुए मिक्सचर में ऐड कर देंगे और फिर इसको हम बीट करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। ये मिक्स हो चुका है। अब हम बटर मिल्क लेंगे। बटर मिल्क आपके पास नहीं है तो आप घर में भी बना सकते हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी किस तरह बनाना है। इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी मैं और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मेरे पास केक फ्लावर है। केक फ्लावर भी आप घर में बना सकते हैं, अगर नहीं है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी कैसे बनेगा। अब हम इस बैटर में ये फ्लावर को और बटर मिल्क को थ्री एडिशन्स में ऐड करेंगे, थ्री पार्ट्स में, यानी एकदम से आपको सारा ऐड नहीं करना है। बटर मिल्क और फ्लावर थोड़ा ऐड करना है पहले और फिर आपको मिक्स करना है, बीट करना है। उसके बाद दूसरी दफ़ा आपने थोड़ा सा बटर मिल्क और फ्लावर ऐड करना है, थोड़ा फिर बीट करना है इसको, और फिर फाइनली थर्ड टाइम आपने दोनों चीज़ें ऐड करनी है और उसके बाद इसको मिक्सचर को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ज़्यादा बीट नहीं करना, बस जब तक आपको ये फ्लावर नज़र ना आए इसके अंदर और सब कुछ मिक्स हो जाए तब तक बीट करना है। ये हमारा मिक्सचर बीट हो चुका है। अब हम एक बोल में विनेगर लेंगे। ये मैंने विनेगर डाला हुआ है, नज़र नहीं आ रहा है वीडियो में, लेकिन इसके अंदर वाइट विनेगर है, और इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा ऐड करूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर हमें उस केक बैटर में ऐड कर देना है और मिक्स कर लेना है। ये मिक्स कर लिया है बैटर में हमने। अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। क्योंकि मैं हाफ़ रेसिपी बना रही हूँ तो मैं केक टिन स्मॉल यूज़ करूँगी, 6 इंच का। ये मेरे पास 6 इंच का केक टिन है जिसको मैंने कुकिंग स्प्रे से ग्रीस कर लिया है। आप इसको बटर या ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। और इसमें सारा हम केक बैटर डाल देंगे और इसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में, जो कि 20 मिनट्स हमने प्री हीट किया है। इसको बेक करेंगे 35-40 मिनट्स के लिए, या जब तक कि आपका केक बेक नहीं हो जाता जब तक के लिए। हर ओवन की टेम्परेचर सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए मैं एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं बता सकती हूँ। हो सकता है आपके ओवन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे या थोड़ा कम, तो आपको वो ख़ुद चेक करना होगा। ये केक बेक हो चुका है। बेक होने के बाद हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और तब तक हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी करेंगे। ये जो आप ऊपर डोम शेप देख रहे हैं केक के, इसको हम ऊपर से कट कर देंगे फ्रॉस्ट करने से पहले। अब हम फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए रूम टेम्परेचर अनसॉल्टेड बटर, जो कि सॉफ़्ट होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं। इसमें मैंने क्रीम चीज़ ऐड की है। क्रीम चीज़ यहाँ पे मैंने फिलाडेल्फिया की यूज़ की है। डिज़र्ट्स और केक्स में हमेशा हम फिलाडेल्फिया यूज़ करते हैं बिकॉज़ इसमें
सॉल्ट जो है वो कम होता है। और अब इसमें मैंने वेनिला एसेंस ऐड किया है और इसको हम बीट करेंगे जब तक कि ये क्रीमी और लाइट कलर का नहीं हो जाता, पेल फ्लफ़ी भी हो जाएगा थोड़ा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। आइसिंग शुगर जो मैंने रेसिपी में क्वांटिटी मेंशन की आप उतनी ही डालेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी आइसिंग फ्रॉस्टिंग जो है वो थोड़ी थिन कंसिस्टेंसी की हो रही है तो आप इसमें और आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं और फिर उसको बीट करें जब तक कि आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती, जो कि थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए और थिक होनी चाहिए उस तरह से। तो मे बी आपके में थोड़ी सी ज़्यादा आइसिंग शुगर लग जाए 4 कप्स से, सो इट डिपेंड्स। ये देखें फ्रॉस्टिंग का टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। हम इसे इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी सी हो जाएगी फ्रॉस्टिंग और क्रीमी, और थोड़ी सी थिक भी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली ना हो वरना केक पे सेट नहीं होगी ये लगकर। ये फ्रॉस्टिंग रेडी हो चुकी है, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हम केक की लेयर्स को कट करेंगे। फ्रिज में रख के ये थोड़ी सी और सेट हो जाती है। यहाँ पे मैंने जो केक के ऊपर डोम शेप था ऊपर टॉप पे वो मैंने कट कर लिया था नाइफ से, और उसके हम क्रम्स बना लेंगे फूड प्रोसेसर में डालकर, जो कि हम केक पे डेकोर करने के लिए लास्ट में यूज़ करेंगे। अब हम केक की लेयर्स कट करेंगे क्योंकि मैं 3 लेयर्स केक बना रही हूँ तो हमें इसकी 3 लेयर्स चाहिए। ये मैं फर्स्ट लेयर कट कर ली है, अब हम सेकंड लेयर कट करेंगे। ये सेकंड लेयर भी हो गई। और ये केक की 3 लेयर्स रेडी हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर पे फ्रॉस्टिंग स्प्रेड करेंगे। मैं थोड़ी कम फ्रॉस्टिंग यूज़ कर रही हूँ लेयर्स में, आप वैसे इसमें ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो इट डिपेंड्स, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी कम यूज़ की है। सेकेंड लेयर रखेंगे और फिर से हम इस पर फ्रॉस्टिंग स्प्रेड करेंगे। अब हम इसके ऊपर थर्ड लेयर रख के, जो कि लास्ट लेयर है हमारी, उसको हम टॉप को फ्रॉस्टिंग से कवर कर देंगे और साइड्स को भी केक की इसी फ्रॉस्टिंग से कवर कर देंगे। फ्रॉस्टिंग का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और स्टेबल है, बिल्कुल भी ये बह नहीं रही है ना ज़्यादा हार्ड है। साइड्स भी कवर हो गई हैं, अब ऊपर हमने थोड़ा सा पैटर्न देना है केक को नाइस लुक देने के लिए, तो हम ये स्वर्लिंग इफ़ेक्ट दे देंगे इस तरह से करके। उसके बाद हमने जो क्रम्स बनाए थे केक जो ऊपर टॉप पार्ट कट करके, वो क्रम्स हम इस तरह से डेकोर कर देंगे केक को। नीचे भी हम बेस पे साइड्स में क्रम्स लगा देंगे। सारी जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है रेसिपी की वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उधर सब दी हुई है। इसके बाद केक की साइड्स पे अगर आपको कोई पैटर्न बनाना है या कुछ डिज़ाइन देना है तो आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये केक रेडी हो चुका है। ये बहुत अच्छा बनता है और इसकी फ्रॉस्टिंग ये वाली इसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है, आप इसको इसी फ्रॉस्टिंग के साथ ट्राई करें, बहुत मज़े का बनेगा।
So if you like this recipe, please hit the like button and don't forget to subscribe.